सतयुगी महाराजा महारानी बनने के कोरोनेशन डे के यादगार दिवस पर मुबारक हो सभी को। ओके, तो आज की बाबा की हम सार में सुनेंगे मुरली और फिर दीप माला की मुरली सुनेंगे स्पेशली। 4/11 तो आज की विशेष, जैसे बताया बाबा ने कहा कि बच्चे संग दोष, जितना संग दोष होगा, संग दोष बहुत नुकसान करता है और संग दोष से फायदा भी होता है। ब्राह्मणों का संग हो तो फायदा भी होता है, अदरवाइज नुकसान भी बहुत करता है। ये दरवाजा लॉक कर दो। तो बाबा ने उस पर विशेष फोकस किया और फिर बाबा ने विशेष वरदान दिया। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 4/11 संदोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है संग दोष से। अच्छा, प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? 3 प्रकार का बचपन कितने? 2 हुआ या 3 हुआ? 2 तो पता है सबको। तीसरा बचपन कौन सा है? तीसरा बचपन यहाँ का है, सतयुग में होगा तब का बचपन है ना, ये तो यहाँ की बात है। तीसरा बचपन कौन सा है? बाबा का परिचय। ओके, बाबा कहते हैं, एक है लौकिक, पारलौकिक और गुरु का शिष्य बनने पर। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ये भी अलौकिक बचपन है ना, इसलिए तो फिर। और ये हमारा बचपन ऑलवेज ही रहेगा, पूरा संगम युग, इसकी स्पेशलिटी ये है। गुरु के शिष्य बनने पर मतलब बाबा, सदगुरु बाबा का, वैसे आज बाबा ने, अदरवाइज तो बाबा नहीं बताते। तो इस अलौकिक बचपन को कभी नहीं भूलना, अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। और रोना अर्थात माया की चोट खाना। तो गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है, एक लौकिक बचपन, दूसरा निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मर कर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वो कैंडल नहीं जलाना, सिर्फ ये वाली कैंडल जलाना, वो थोड़ी जलाना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि एक है लौकिक बचपन, वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं, वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा ये वंडरफुल मर्जीवा जन्म, एक मात पिता को छोड़ दूसरे मात पिता के बनते हो, यह है रूहानी मात पिता। तुम्हारा ये मर्जीवा जन्म है, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। पहले पहले ये बातें समझानी है,
वो ऊंचे ते ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे, तो पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है। शिव परमात्मा ही नमः कहते, उनकी जयंती भी मनाते हैं। अच्छा, वही पतित पावन रचेता नॉलेजफुल है, फिर तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। अगर वह पतित पावन नॉलेजफुल है, कोई नए स्थान पर जाते तो गाइड को साथ ले जाते हैं। अब बाप को गाइड कहते तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से ये सारी बात खत्म हो जाती है। सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, तो बाबा कहते तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में रहती है। तो जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं, वहां अपवित्र आत्मा कोई जा न सके, ये नियम है परम धाम का। तो इसका मतलब है जाना ही तो है सबको, ये तो क्लियर हुआ। क्यों जाना सबको है? आ चुका है, लेने वाला आ चुका है, गाड़ी लेके लेकर खड़ा हुआ है बाहर। जाना तो सजनियों को तो जाना पड़ेगा ना, कितनी रोए धोए, थोड़ा टाइम लगा दे, पर जाना तो पड़ेगा। और फिर वहां जाने के लिए उसके हिसाब से वो वहां वहां तो नहीं एडजस्ट कर दे तो वापस आ जाते हैं। यहाँ कोई चॉइस भी नहीं है, वहीं रहना भी पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। तो वहां ही रहना है, वहीं जाना है, तो इसका मतलब पवित्र बनना ही पड़ेगा। नहीं बनोगे तो फिर तरीका है दूसरा। कल कल ही था ना मुरली में। तो बाबा कहते हैं हम उनके बच्चे, ये भूलो नहीं, हम आत्माओं को वापस बाप के पास जाना है। छाती पीटते रहते हैं, पहले 12 मास या हुसैन करते हैं जब कोई मरता है। तो यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते मामिकम याद करो, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे वापस, नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स है, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है, रोने की क्या दरकार है, हरेक का पार्ट नूंदा हुआ है। अच्छा, कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत बहुत कैसे बच्चे चाहिए? किसने बोला? पढ़ा था क्या मुरली? वे फिर क्या फायदा, जो मुरली पढ़ते वो जवाब ही ना दे ना फिर। बाप को बहुत बहुत मददगार बच्चे चाहिए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है, तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। ये इधर आ जाओ हिमलता बन, मेन सीट खाली पड़ी है, देखो इधर आ जाओ। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं, एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। तो तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप पतित पावन लिबरेटर है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहां उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहां ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी वाइसलेस, इनको कहां जाते हैं विशेष वर्ल्ड? फिर कैसे कहते हो वहां भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कुछ समझ न सके। तुम जानते हो हम असल में वहां के रहवासी है, वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही
जो ज्ञान को समझते हैं उनको ही मजा आता है। क्रिकेट मैच है, नहीं समझेंगे क्या कहते, क्या इधर भागता है इधर भागता है, किसके लिए भागता है वो। तो एक है मोटा मोटी समझना, वो बैटिंग कर रहा है, वो बॉलिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है, और एक है इन डेप्थ समझना, वो क्या है फर्स्ट ऑन सेकंड बॉल थर्ड वो सब मतलब वो इन डेप्थ समझना किसमें मजा आएगा, वो हर बॉल को कौन एंजॉय करेगा जो इन डेप्थ समझे। तो बाबा भी कहते मजा उनको आएगा, समझते सभी। अच्छा तो यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे, वह जमीन यहां। अच्छा तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, हम विश्व के मालिक थे, वहां जमीन आसमान कोई में पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, शंकर है देवता है, भगवान एक होता है, कृष्ण भगवान हो न सके। ये थोड़ी पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहां से मिलेगा, दे रही है धन लेकिन मिलेगा कहां से। लक्ष्मी को धन कहां से मिलेगा, कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं, उनको चार भुजा दिखाते हैं, दो स्त्री की दो पुरुष की, तो इन बातों को जानते नहीं, इसलिए महालक्ष्मी है ना, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड अवतार। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, हम वरदान और स्लोगन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, मेन मुरली पढ़ेंगे। जैसे बाप ज्ञान का आनंद का प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है, सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े, संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है, बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना। तो ये थी बाबा के आज के महावाक्य, और आज अभी हम मुरली दीप माला की सुनते हैं। तो बाबा ने इसमें 87 की बहुत कम मुरलियां चलाई है दीपावली की, तो ये 87 की है, दीप राज और दीप रानियों की कहानियां। सभी दीप रानियां है ना। अच्छा चलो अभी हम, मैं दीप रानी के रूप में बैठो, बाबा दीपराज बड़ा दीपक। 21/10/87 के महावाक्य है, आज सर्व चैतन्य अविनाशी दीपकों के मालिक दीपराज अपनी सभी दीप रानियों से मिलने आए, क्योंकि आप सभी संगम युग की रानियां हो, एक दीपराज से लव लगाने वाली, दीपक की विशेषता, दीपक के लौ पर दीपक की विशेषता दीपक के लौ पर होती है। आप सभी दीप रानियां दीपकों के राजा से लगन लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो, वह सभी सच्ची सीताएं, एक राम बाप के सदा साथ रहने वाली हो, सच्ची सीता हो तो राम और दीपक दीपराज। इसलिए दीपकों के मालिक
दीप राजा के साथ साथ आप दीपकों का भी माला के रूप में गायन हो रहा है। इस बार हमने दिवाली पे दो कंसेप्ट लिया, दीपक जो आप देख रहे हो सब जगह, दूसरा क्या देख रहे हो, कमल फूल। बाबा ने चार दिन से हमारा वही पुरुषार्थ चल रहा है ना, तो कमल का फूल सब जगह, कमल का फूल है, आप देख रहे होंगे। वंदना पे दिखाओ, यहाँ यहाँ भी दिखाते जाओ, सारा जगह कमल का फूल है, बाद में दिखाएंगे पूरा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो दीप राज दीपक, जानते हो मैं भी दीपक इस दीप माला में हूं। अच्छा, ये उमंग आता है, सॉरी एक, लेकिन दीप माला के पहले एक दीप राज बड़े दीपक में जगाते हैं, पहला एक बड़ा दीपक जगता है ना, एक दीपक से आप अनेक दीपक जगमगाते हो। तो ये आप सभी का यादगार आज दिन तक भी मनाया जा रहा है कि पहले बड़ा दीपक होता है, और वो दीपक कहाँ होता है, नहीं वो दीपक सबसे पहले कहाँ होता है, वो होता है पूजा में रखते हैं पहले उसको, वहां वो उसको जलाते हैं, और उसको जलाने के बाद फिर से। तो आज हमारा इस तरह का दीपक जलेगा, ठीक है। तो बाबा कहते जानते हो अब कि ये दीप माला को देख क्या दिल में आता है, ये उमंग में आता है ना कि हमारा ही यादगार है, अपने को उसमें देखते हो, जानते हो कि मैं भी दीपक इस माला में हूं। देखो सबके पास पहले से ही दीपक आ गया, मिला है ना सबको दीपक। तो जानते हो ये दीप माला माला के रूप में क्यों दिखाते हैं, दीप दिवस नहीं कहते, दीप माला कहते, बाकी तो दिवस के रूप में होता है ना, और यहां है दीप माला, दीप माला का त्योहार। तो दीप क्योंकि क्यों दीप माला कहते हैं, दीप माला वो तो विधि में आता है कि जगाना, लेकिन दीप माला क्यों कहते हैं, सारे माला के संगठन का यादगार। तो बाबा कहते हैं संगठन के यादगार दिवस, दीप दिवस नहीं कहते हैं, दीप माला क्योंकि संगठन का यादगार है। माला तब सजती है, तब सजती है जब अनेक दीपक संगठित रूप में हो, तब माला सजती है ना। अगर एक वाक दो दीपक जगा दे तो माला नहीं कहेंगे। तो दीप माला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है, संगठन। देखो हम सभी ने संगठन में हर चीज किया, यहाँ तक कि पुरुषार्थ भी संगठन में कर रहे हैं, एक ही संकल्प, और कभी कभी तो कोई विशेष कार्य के लिए उस समय अमृत वेला संगठन में हम योग करते हैं, करते हैं सभी जो निमित्त बने हैं, अमृत वेला भी उस टाइम पे वो संकल्प लेना, ये भी एक संगठन, कभी कभी इस तरह भी योग करते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि माला तब सजती है, तो आप दिन मना रहे हो, एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, और दूसरे तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो, देख देख हर्षित हो रहे हो ना। देखो वो तो कितना धूमधाम से दीपक दीपक, कल दीपक चाहिए था आप सबके लिए, मार्केट में बोला है ही नहीं, मतलब इतनी शॉर्टेज,
यहाँ वहां कहीं फिर बाद में आया, बट मिला ही नहीं जल्दी से। तो कितना डिमांड है बच्चों की, कितनी डिमांड है, चैतन्य जगे हुई दीपकों की। तो ये दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है, तो आप क्यों की, अब भी सुनो क्यों ये दीपक के रूप में बताया है, क्योंकि थोड़ा पीछे करो तो पूरा व्यू आएगा ऑनलाइन में भी। तो बाबा कहते क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं, सुनो क्यों बताया है, आप चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। दिव्य ज्योति का यादगार रूप, इसलिए वो दीपक की लौ। और दूसरी स्पेशलिटी जो ध्यान रखा जाता है कि हाँ बुझे नहीं, अखंड ज्योति, एक दीपराज की बात नहीं है, सारे अखंड हो, उसका यादगार है। तो बाबा इसलिए कहते हैं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है, एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप, दूसरा है दूसरी तरफ आप ही भविष्य के साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त कराती है। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों के साथ का साथ साथ यादगार है। कौन कौन सा निराकार, निराकार कौन सा यादगार? हाँ वो निराकार, और साकार, साकार दीपमाला देव पद, ये दीपमाला जगे हुई दीपकों की माला, मतलब ऐसा युग था जिसमें सारे दीपक जगे हो, एनलाइटेंड थे, हर आत्मा एनलाइटेंड थी, मतलब एक दो की बात नहीं है, इसलिए उसका यादगार है। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है, समझ में आया? साकार मतलब चैतन्य, अभी तो हमारा कभी कभी बुझ भी तो जाता है ना, या आज कुछ करेंगे लोग स्किट, बुझ कैसे जाता है बताएंगे। तो बाबा कहते हैं तो डबल रूप का यादगार दीपमाला है, लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में, एक तरफ धन देवी अर्थात दाता का रूप, और दूसरे तरफ, एक तरफ धन देवी और दूसरे तरफ, दूसरे तरफ दाता का रूप, संगम युग का यादगार है देने का रूप। सतयुग में थोड़ी ऐसे फ्लोइंग रहेगी लक्ष्मी, वहां क्यों फ्लो, लक्ष्मी फ्लो करेगी, लेकिन हाँ तो फिर क्यों, तो अभी का दाता रूप है। तो सभी दिल बड़े रखे कि नहीं उसने ऐसा किया, मैं क्यों करूं, उसको क्यों दू, मैं उसको प्यार क्यों दू, उसको क्यों दू, पिछले साल तो नहीं किया था उसने, इवन गिफ्ट्स में होता है दिल बड़ा रखो। तो बाबा कहते हैं कि ये भी एक यादगार है, दाता रूप में महालक्ष्मी स्वरूप में हमको आज रहना है ना। तो बहुत अच्छा लगा, सुबह किया था, तो लक्ष्मी का यादगार डबल रूप में, तो दाता का रूप संगम युग का यादगार है, जो सदैव धन देते रहते हैं। ये संगम युग पर अविनाशी धन देवी के रूप में चित्र दिखाया जाता है। सत्युग में तो कोई लेने वाला ही नहीं होगा, तो देंगे किसको सत्युग में? यह संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्य की निशानी है। और दूसरे तरफ ताजपोशी, ताजपोशी का दिन है ना, मालूम है ना आप सबको, कॉरोनेशन डे, क्यों दिवाली हाईएस्ट है सब फेस्टिवल्स में, क्योंकि कॉरोनेशन सत्युग में लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि राजा का जो फर्स्ट महाराजा महारानी को जब राजगद्दी प्राप्त हुई तो वो कॉरोनेशन डे है, और पूरे वर्ल्ड का और उस फुल समय में पहला
विश्व महाराजन, अर्थात राजा का कंसेप्ट ही वहां से शुरू हुआ, लक्ष्मी नारायण से पूरे वर्ल्ड में। तो इस कारण वो कॉरोनेशन डे के ताजपोशी के रूप में, ताजपोशी भविष्य की निशानी है और धन देवी संगम युग के दाता रूप की निशानी है। दोनों ही युगों को मिला दिया, क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है लेकिन जितना छोटा है उतना महान है। सर्व महान दीपक, महान कर्तव्य, महान स्थिति, सुनो कौन कौन सी महान। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति, महान अनुभव कब होते हैं? इस छोटे से संगम युग में होते हैं। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते हैं और संगम युग के बाद फिर सतयुग जल्दी आ जाता है। तो इसलिए संगम युग और सतयुग के चित्र, संगम युग का चित्र और संगम युग और सतयुग के चित्र और चरित्र मिला दिया। चरित्र कहाँ के नए बताए, पुरानों को तो पता है। चित्र संगम युग और सतयुग, तो चित्र कौन से युग के, चरित्र कौन से युग के, नए बताए, मिला दिया। चरित्र इज चरित्र संगम चित्र सत्युग। क्या हुआ सबको? दीपिका बहन क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा सर। चरित्र तो संगम युग का है, सत्युग का है। चरित्र तो संगम युग का है, चित्र चित्र सत्युग का, चरित्र संगम युग का, चरित्र सारा यहाँ का चरित्र। तो चरित्र और चित्र को मिला दिया। जैसे वो तलवार जो हुआ और फिर जो फिल्म बनी, जिस जो तलवार का, तलवार फिल्म में जो रोल किया वो अलग अलग है ना, ऐसा हो गया। हम बच्चों ने किया चरित्र और चित्र बना दिया फिर उसका। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि संगम युग छोटा सा युग है। सर्व महान कर्तव्य, महान स्थिति, महान प्राप्ति और महान अनुभव। बहुत प्राप्तियां, बहुत अनुभव होते और संगम युग के बाद कारण क्या हुआ, मिक्स क्यों हुआ, किसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है देखते हैं अभी, अब पता चलेगा। चाहे कुछ भी करे खाली इधर मछली पर कॉन्सेंट्रेशन, अर्जुन की तरह जल्दी आ गए। बाबा कहते हैं क्योंकि इसलिए संगम युग जो दीप, इस प्रकार ये दीप माला भी आपके डबल चित्र सत्युग का, चरित्र संगम का दे देते हैं। इस प्रकार ये दीप माला भी आपके डबल रूप, डबल समय का यादगार हो गया। जो दीप माला में विधि रखते हैं वह भिन्न भिन्न विधियां भी मिक्स कर दिए। एक तरफ अपने पुराने खाते समाप्त कर नया बनाते हैं, अभी भी चलता है नया रेड कलर का वही खाता। ज्वेलर्स तो रखते हैं, है ना? अच्छा रख ले, मतलब दिखा भाई, अभी तो कंप्यूटर थोड़ी रखेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा विधि आज बता रहे हैं। तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना आज से। हम तो रियल बना रहे ना दिवाली। कोई भी संकल्प, किसी ने कुछ कहा किया, कितने बजे अभी, 8 o'clock के पहले कुछ भी बोला, पुराना खाता समाप्त। तो ये बाबा कह रहे हैं। तो जो दीपमाला में, तो दूसरी तरफ दीपमाला में नए वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं, नया ही पहनना है। बोला कुछ भी हो जाता है भाई, दिवाली के दिन कर लेंगे, कुछ भी
इवन कर्टन्स भी लगाने ना दिवाली के दिन कर लेंगे, उस दिन कर देंगे, तो नयापन का कितना, और कुछ होता ही है, एक यादगार रूप में चाहे एक छोटा सा ही क्यों ना हो, करते ही है। तो बाबा कहते हैं कि नया वस्त्र अर्थात नया शरीर सत्यु की निशान, तो पुराना सब भूल जाते हैं। ये खिड़की खोल दो ताकि सबको व्यू मिले, और पीछे चेयर्स रख दो, समाप्त कर नया बनाते हैं। तो दूसरी तरफ दीपमाला में नया वस्त्र भी विधि पूर्वक पहनते हैं, तो पुराना हिसाब किताब चुकतू करना और नया खाता आरंभ करना, ये संगमयुग का यादगार है। पुराना सब भूल जाते हो, नया जन्म याद तो नहीं रखा है ना कुछ, तो वैसे तो एक हफ्ते पिछले हफ्ते, आज क्या दिन है, थर्सडे, पिछले थर्सडे को भोग क्या खाया था बोलो भाई। कभी कभी आते उनको याद रहा, लेकिन याद नहीं रहा ना। तो मतलब क्या होता है, एक हफ्ते पहले की बात तो भूल जाते, और एक महीने पहले उसने कुछ कहा था वो याद रखते। तो क्यों ऐसा क्यों किया, एक महीना एक साल, कभी कभी वो मीटिंग, और उस मीटिंग में फाइनली प्रॉपर्टी का डिसाइड हुआ, वो जो स्टेटमेंट्स हुए उस समय। मतलब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये याद रखना है, मुझे इसको कैजुअली लेते, मतलब चॉइस है अपनी। तो बाबा इसलिए कहते हैं नया पुराना ये है, पुराना सब कुछ छोड़ना। संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराने वस्त्र अर्थात पुराना सब भूल जाते हो, पुराने वस्त्र में संगम युग पर नया शरीर नहीं मिलता है, पुराने शरीर में रहते हो, तो दोनों ही समय की विधियों को मिक्स कर दिया है। गोल्डन वस्त्र अर्थात सतो प्रधान शरीर भविष्य में धारण करेंगे, अभी तो चत्ती वाला शरीर है। आप ऑपरेशन में सिलाई करते हैं ना, बड़े बड़े ऑपरेशन में एक तरफ का मांस निकाल दूसरी तरफ लगाते हैं, स्टिच्ड बॉडी है सभी की। तो बाबा कहते हैं तो चत्ती लगाई ना, पुराने की निशानी है, पुराने की निशानी है, पुराने की निशानी है सिलाई करना, चत्तियां लगा के पहनना, ये प्रूव करता है ये पुराना है। और अब तो छोटे बच्चे के भी लग जाती है चत्तियां, स्टिचिंग और कुछ नहीं, दांत की तो स्टिचिंग हो ही चुकी होती नहीं होती दी, मतलब वो तो कर ही लेते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो चत्ती लगाई ना, तो ये है चत्ती वाले वस्त्र, और भविष्य में गोल्डन वस्त्र मिलेगा, तो आपके नए वस्त्र करने का यादगार है। देव आत्मा बन नया वस्त्र अर्थात नया शरीर, सुनहरी अर्थात सोने तुल्य। आज की दुनिया में तो लोग नहीं बनते, इसलिए यादगार रूप में स्थूल नए वस्त्र पहन खुश हो जाते हैं, वह एक दिन के लिए खुशी मनाएंगे, करके तीन दिन भी मनावे, लेकिन आप तो अविनाशी मनाते हो ना, ऐसे मनाते हो जो ये संगम युग का मनाना, अनेक जन्म मनाते ही रहेंगे। सत्युग में दिवाली, सत्युग में दिवाली नहीं, होली नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं दीप जगाते हैं जिससे सदा दीपक, अच्छा तो ऐसा मनाते हो ना, सदा ही जगमगाते दीपक जगते ही रहेंगे। पहले तो फिर भी विधि पूर्वक दीपक जगाते थे जिससे सदा दीपक जगता रहे, एक जन पूरी रात भी जगा रहता था कि घृत डलता जाए, विशेष दीपक में तो जो मेन उसमें तो बिल्कुल
जो लक्ष्मी जी की पूजा के पास रखा होता है उसमें तो बिल्कुल नहीं, और वो भी घी, और कौन सा घी, घर का बनाया हुआ घी। अभी भी जगते हैं दीदी। हाँ ये वाला मोम तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, घर का बनाया हुआ घी। हाँ तेल नहीं, घर का घी, प्योर घी। बाबा कहते विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, जिससे सदा दीपक जगता रहे, बुझे नहीं, ये ध्यान रखते हैं। घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, बल्ब का थोड़ी कंसेप्ट था दीपक, दीपमाला नहीं बनाते हैं, अब तो मनोरंजन हो गया, वह आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई, स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है। अब तो स्वार्थ भी नहीं, अब तो स्ट्रेस रह गया है। तो पहले तो फिर भी ठीक है, धन बढ़ जाए इसी स्वार्थ से करते हैं। अब तो वो भी भावना कहाँ रही कि लक्ष्मी जी का एंजॉयमेंट, सिर्फ एंजॉयमेंट, स्ट्रेस बस ये रहा। भावना से नहीं, कामना से करते हैं। अभी तो दीदी लोग बाग बाहर चले जाते हैं दिवाली पे, घर में ही नहीं रहते। ये एक नया कंसेप्ट है, 4 दिन की दिवाली या हॉलीडे पे जा रहे हैं। और ही मतलब क्या किया फिर भाई, घर में आए, लक्ष्मी आई, घर को बंद नहीं रखते 4 दिन, घर में लक्ष्मी आती है, ये है, मतलब बहुत कुछ बंद ही पड़ा है, महालक्ष्मी आएगी कहाँ से। बाबा कहते हैं अब तो मनोरंजन हो गया है, इसलिए यथा, तो पहले फिर भी भावना थी, अभी तो वो भावना कामना के रूप में बदल गई है, रहस्य समाप्त हो गया है और रीति रसम रह गई है, इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती ही नहीं। धन भी आता है तो काला धन आता है, दैवी धन नहीं आता, इंटेंशन कुछ और होता है और कमाई के पीछे, तो सच्चा नहीं है, पवित्र नहीं है, रॉन्ग इंटेंशन से किसका पैसा रखा हुआ है, दिवाली मना रहे हैं, उधर उसको संकल्प चल रहा है, पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो धन मेरे पास पड़ा है, वो धन मुझे स्ट्रेस देगा या शांति देगा, तो काला धन, दैवी धन ही नहीं आता है, आसुरी धन आता है। लेकिन आप सभी, ये तो दुनिया वालों की है, हमारा सबका धन कैसा है, ये ज्ञान धन तो है, बाकी धन भी तो है ना। अविनाशी धन है, सिर्फ शुद्ध धन नहीं, केवल ज्ञान धन की बात नहीं, धन भी शुद्ध होना चाहिए और पवित्र, पवित्र इंटेंशन से, कि दूसरा सिंपल है, पवित्र धन का सिंपल फॉर्मूला कि उसका मुझे प्रॉफिट मिले, उसको भी मेरे से ज्यादा मिले, बस इस इंटेंशन से आप कंसल्टेशन फीस करो, कुछ भी करो, उसको भी मेरे से ज्यादा प्रॉफिट मिले, क्या फर्क पड़ता है, आपका हमारा भाग्य थोड़ी कहीं जाएगा, उसकी प्रमोशन हो रही है बहुत अच्छा, मेरे से ज्यादा उसकी प्रमोशन, फाइन, कोई बात नहीं, चल सकता है ऐसा। तो बाबा कहते हैं देवी धन नहीं आता है, बॉम्बे को चांस मिला है, दीपावली मनाने आए हो ना, अच्छा, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपनी देवी पद का आह्वान करते स्वयं देवता या देवी बन जाते हो, तो स्वयं देवता या देवी बन जाते हो तो दीपावली मनाने आए हो ना, अच्छा, बॉम्बे का ग्रुप आया है तो उसमें भी बाबा ने कहा मनाना किसको कहा जाता है, क्या करेंगे, सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, रास करेंगे, गीत गाएंगे, यह तो ब्राह्मण जीवन का अधिकार है,
सदा नाचना गाना, सदा जोत से जोत जगाना, लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, तब तो माला के समीप आएंगे ना, यह भी संगम युग के सुहेज मनोरंजन है। खूब मनाओ लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं मनाओ, मनाओ लेकिन बाबा हमेशा कहते बाबा के साथ साथ मनाओ। कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, पूजा में बाबा मेरे साथ है बस, और खेलो खाओ पियो, पर फिर वो भी ढंग से। किसी ने हमको कहा कि वो ना वो म्यूजिक, वो डांस होता है ना, पार्टी में जाना होता है डांस कर, बाबा को मैं साथ रखती हूँ, वो थोड़ा ध्यान रखे, वो बाबा कहाँ साथ होता है कहाँ साथ नहीं होता है, वहां नहीं होता है बाबा साथ, रॉन्ग हम करते जाएंगे और कहेंगे बाबा मेरे साथ। बाबा कहते हैं सदा नाचना गाना, सदा जोत से जोत जगाना। उस दिन का था ना कि बताया था कि जो दिव्य मुरली में आया था, साकार मुरली में 3 दिन पहले, कि वहां खेल पाल बहुत होता था, जब 14 साल रास बहुत होता था, पर रास ऐसा होता था कि जो दूसरा देखे वो भी एकदम दिव्यता में फुल हो जाए, पूरा वो भी ट्रांस में चला जाए, रूहानी रास ये होना चाहिए। तो लेकिन संगम युग का मनाना अर्थात बाप समान बनना, तब तो माला के समीप आएंगे ना, ये भी संगम युग के सुहेज मनोरंजन है। खूब मनाओ लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए सुहेज मनाओ, सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं लेकिन मन मनाभव हो मनोरंजन मनाओ, क्योंकि आप अलौकिक हो ना, तो अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। आप सबने तो संगम युगी दीप माला की विधि पूर्वक पुराना खाता खत्म करना, ये हर संकल्प हर घड़ी हर कर्म हर बोल नया अर्थात अलौकिक हो, यह विधि अपना लिए ना, जरा भी पुराना खाता रहा हुआ न हो। आज संकल्प करो, अमृत वेला किया होगा ना अच्छे से, नहीं किया हुआ तो भले करो, शाम को अमृत हम लोग करेंगे विधि पूर्वक योग 7 से 7:30। मतलब कुछ भी मेरा किसी के साथ अकाउंट है, उसके मन में मेरे लिए कुछ है, मेरे मन में तो चलो नहीं होगा, तो बस आज क्लियर करना है, उसको रखना नहीं है वो चीज, नया खाता। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो क्या कहते हो, चाहते तो हो लेकिन पुराने संस्कार है, पुराना स्वभाव अथवा आदत है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना, तो पुराना खाता फिर कहाँ से आया, अभी तक संभाल करके रखा है क्या, गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा, पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का और ब्राह्मणों का खाता, नया अकाउंट। अब मेरा वो एक होता है कि चलो हमारा पुराना दुनिया में जैसे करते हैं कि पुराना रिश्ते आदि सब खत्म, और दूसरा है पुराना रिश्ता खत्म, और दूसरा है हाँ मतलब मेरा उस आत्मा के प्रति की भावना, ये बेटा है ये बेटी है ये बहू है, ये फीलिंग भी खत्म, ये भी तो पुरानापन है, केवल एक्सचेंजेस तो पुरानापन है ही नो डाउट, लेकिन ये भी तो पुरानापन है ना, तो ये पुरानापन भी खत्म। मतलब पता है आत्मा का रोल प्ले, आत्मा ये रोल में प्लाट प्ले कर रही है, क्योंकि जब तक ये इम्प्रेशन ये एटीट्यूड नहीं करेंगे ना, तो फिर वो बात उसने तो मुझे ऐसे बोल दिया, वो बात फिर लगेगी, फिर मिटाएंगे, मतलब वो मेहनत चलेगा, अगर बेसिक पर हमने नहीं किया, जैसे वो बेसिक विटामिन्स इम्यूनिटी इतनी पावरफुल नहीं है तो क्या हो जाएगा,
तो मतलब ठीक है, फिर से बार बार उस समय ठीक होगा, फिर इस पर करना है। गठरी बांध कर रखी होगी तो चोर लगेगा, पुराना खाता है ही रावण का खाता, नया खाता है ब्रह्मा बाप का व ब्राह्मणों का खाता। तो यह तो वह रावण की चीज है, अपनी चीज को अधिकार से लेंगे, इसलिए माया रावण चक्र, माया रावण चक्र लगाती है। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, पुरानी चीज रखी होगी तो जिसकी चीज होती है ना वो आता रहता है, किसी का पैसा रखा होता है ना वो बार बार आता रहता है, अब उसकी चीज ही नहीं रखी होगी तो पुरानी, ये बेटा है ये बेटी है ये है ये रखी होगी तो फिर बार बार वो माया आती रहेगी। चीज ही नहीं होगी तो रावण आएगा भी नहीं। जैसे किसी का उधार कर्जा होता है तो क्या करते हैं, बार बार चक्र लगाते रहेंगे, छोड़ेगा नहीं, कितना भी टालने की कोशिश करो लेकिन क्या होता है, कितना भी टालने की कोशिश करो बार बार चक्र लगाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कर्जदार अपना कर्ज जरूर चुकाएगा, तो अगर कोई भी पुराने खाते में पुराने संस्कार अभी समाप्त नहीं किए हैं तो ये रावण का कर्जा है, इस कर्ज को मर्ज कहा जाता है। कहते कर्ज जैसा कोई मर्ज नहीं है बीमारी, तो ये रावण का कर्जा है, पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव पुरानी चाल चलन, ये कर्जा कमजोर बना देती है, और कमजोरी ही पुराने चाल चलन, कमजोरी ही फिर बीमारी बन जाती है। कोविड में भी किसको ज्यादा इफेक्ट हुआ, जिसका पहले से इम्यून वैसे ही खराब है। इसलिए इस कर्ज को एक सेकेंड में, यह पुराना पराया है, यह इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो, इसको जलाओ। आतिशबाजी जलाते हैं ना आजकल, आतिशबाजी भी बॉम्ब बनाते हैं ना, तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे यह सब पुराना समाप्त हो जाए। वह लोग गवाएंगे और आप, वह लोग गवाएंगे और आप इसमें वो, मतलब खर्चा भी तो बहुत होता है ना, वह लोग गवाएंगे और आप कमाएंगे, आप कमाएंगे वो गवाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं। तो आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे यह सब पुराना समाप्त हो जाएंगे। आप आतिशबाजी पर कमाएंगे, कमाई करने की बाजी आती है ना, वो आतिशबाजी है और आपकी है, वो आतिशबाजी और आपकी है, उड़ती कला की बाजी। इसमें आप विजयी हो ना, और तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी, यह विधि अपनाओ, समझा? अच्छा ओके। बाबा ने विशेष इस पर फिर पवित्रता की, स्वच्छता पवित्रता की है, और फिर मिठाई खाना वस्त्र पहनना ये सब हो गया। दीपावली अथवा दीपमाला की अविनाशी मुबारक है, वो हैप्पी दिवाली कहते बाप दादा, अविनाशी होली हैप्पी हेल्दी दीपावली, होली हैप्पी हेल्दी दीपावली। अच्छा सबको बोलो आज सिर्फ हैप्पी दिवाली नहीं, एवर हैप्पी भी है, होली हैप्पी हेल्दी दिवाली। ओके फिर दिल खुश मिठाई है बाबा की। अच्छा तो आज का वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव, जैसे दीपमाला पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो,
तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे, फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों में जरा भी प्रीति न हो, बाबा कह रहे हैं। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदाकाल के लिए समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार ये दीपावली है। सब कमजोरियां इसमें भी हुई था, मुरली में भी हुई था। पुरानी कमजोरी और रूट कॉज मेन चीज पर फोकस करेंगे। ये है दिवाली मनाना। स्लोगन है सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। देखो कितना अच्छा है। याद किसको मुश्किल होती है, याद नहीं आती, मन भटक जाता है। किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, किसी को भी नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, कभी कभी होती है। उसके लिए सरल, पूरा जीवन सरल होगा ना। उसने मुझे ऐसा कह दिया, पकड़ के रखा, मैं वहां, मैं क्यों फोन करूं। जब तक उसका फोन नहीं आया, संकल्प चलाते रहते, तो ये सब क्या है, डिफिकल्ट कर दिया अपने आप। सरल कर, सरलता जीवन में होगी तो याद भी सरल हो जाएगा। ये अनुभव है सबको। कोई भी बात है, पहले खुद अपोलोजाइज कर ले, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा जी, अब इतिशारी भी है, आज का सुन लेते हैं। अब इतिशारी, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है। नई खेल खेल है, डरना नहीं, खेल है। विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है, इसलिए रहम दिल बन। सर्व शक्तियों द्वारा परेशान आत्माओं को शक्ति की सकाश दे, रहम करो। बाबा के तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं बाबा के तरफ से सुनेंगे।